एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ साइड ब्राइड हेयर स्टाइल, जो कि काफ़ी टाइम से नैना जी का रिक्वेस्ट आया था। तो नैना जी, आज आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी और देखिए कितने हेयर स्टाइल बता पाती हूँ मैं साइड ब्राइड चोटी के साथ। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी तरीके की नई नई वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर जरूर जाएगा, दूसरे चैनल का नाम है सिलाई कोर्स प्रीत तिवारी, उस पर सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज आपको मिल जाएंगी। और इंस्टा आई डी प्रीत तिवारी 24 है। तो चलिए साइड चोटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से थोड़े से लेयर्स इस तरीके से लेके, एकदम थोड़े से ही लेने, ज़्यादा नहीं लेने, इस तरीके से लेके इसको मैं इस साइड में कर दूँगी, ताकि ये लेयर्स बैंग्स के लिए यूज करूँगी मैं। उसके बाद से प्रॉपर लाइन नहीं निकालनी है आपको, मांग नहीं निकालनी है। यहाँ से थोड़े से हेयर लेंगे, ओके, सिंपल ब्राइड गुथनी स्टार्ट करेंगे, सिंपल चोटी। इसको गूंथना स्टार्ट करेंगे और जैसे हम लोग फ्रेंच चोटी बनाते हैं वैसे ही गूंथते हुए एक साइड तक लेके आएंगे, थोड़ा थोड़ा लेयर्स लेके ऐड करते जाएंगे इसके साथ। ओके, थोड़ा थोड़ा लेयर इसके साथ ही लेते जाएंगे और गुथते जाएंगे चोटी को। काफ़ी आसानी से आप बना लोगे और काफ़ी स्टाइलिश भी लगेगा। बैक से भी हेयर लेके इसमें ऐड करते जाएंगे। जो भी लेयर्स निकालनी है उसको छोड़ देना है और ऐसे ही पूरा पीछे से लेयर ले लेके इस साइड में मिलाते जाना है। ओके, मेरे बाल छोटे हैं, अगर आपके लंबे होंगे तो और भी प्यारा लगेगा ये हेयर स्टाइल। अगेन पूरा बैक से जितने भी हेयर हैं सबको ले आएंगे और इसमें ऐड करेंगे। तो पूरा साइड तक हमने मिला लिया है चोटी इसमें, सॉरी अपने फ्रेंच ब्राइड में पूरा बैक से हेयर लेके और मिलाते गए हैं। ओके, अब जितने भी हेयर बचे हैं उनको सिंपल चोटी की तरह गूंथ लेना है। और लंबे बाल हैं तब तो मतलब आपके हेयर स्टाइल, आपका हेयर स्टाइल बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है। तो मेरे तो छोटे ही हैं, अगर आपके बाल छोटे भी हैं तो आप इसमें जो आजकल आर्टिफिशियल हेयर आ रहे हैं वो ऐड कर सकते हो। वो कैसे ऐड करना है अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वीडियो शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। मेरे पास पड़ा है पहले से, वैसे मैंने शेयर किया भी हुआ है बहुत छोटे बालों पे हेयर स्टाइल। वाह, तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया साइड चोटी के लिए। और देखिए कैसा लग रहा है, बैक से कुछ इस तरीके का लुक आएगा और साइड से कुछ इस तरीके का लुक आएगा और इस साइड से ऐसा लुक आएगा। तो आई होप कि आपको ये हेयर स्टाइल पसंद आया होगा। और आप चाहो तो आपका जो चोटी है, सॉरी रबड़ बैंड दिख रहा है यहाँ पर, आप पतला रबड़ बैंड लेके वो ऐड करके और इसको हाइड कर सकते हो तो और भी प्यारा दिखेगा। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ। तो सेकंड हेयर स्टाइल में क्या करना है आपको, सेकंड हेयर स्टाइल में भी यहाँ से आपको हेयर लेना है और
ट्विस्ट करते जाना है। ओके, ट्विस्ट करके यहाँ पे आप क्लिप से इसको सेट करते जाओगे। अगेन जो आपका हेयर है उसमें एक और ट्विस्टिंग करनी है। ओके, हल्का हल्का खींच लेंगे ताकि थोड़ा आपने जो ट्विस्टिंग बनाई है उसमें थोड़ा वॉल्यूम दिखे। इसको भी सिंपली इस वाले ही ट्विस्टिंग के पास ले जाके क्लिप में सेट कर देंगे। ओके, अगेन आपका जो फ्रंट का हेयर है इसको फिर से ट्विस्ट करेंगे। आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो अगर आपके फेस पे सूट कर रहा हो तो, और नहीं सूट कर रहा है तो आप इस तरीके से ट्विस्ट कर लीजिएगा। लेस निकालना है तो आप निकाल लीजिएगा और इसको भी यहाँ पे ले जाके क्लिप से सेट कर देंगे। ओके, इस साइड के हेयर को सिंपली ट्विस्ट करेंगे। ओके, ट्विस्ट करके यहाँ पे लाके क्राउन एरिया पे लाके आपको इसको क्लिप से सेट करना है। ओके, सेकेंड लेयर भी लेना है, आप जितनी लेयर लेना चाहो उतनी ले सकते हो। इसको भी इसी वाले क्लिप के पास लाके और इसमें सेट कर देंगे। ओके, बाकी सारे बालों को एक साइड लेके आएंगे। और सेम चोटी बना देंगे। पतले पतले लेयर्स लेके घुटते जाना है। ओके, एकदम पतला, जितना पतला लोगे उतना ज़्यादा प्यारा लगेगा ये हेयर स्टाइल। अब यहाँ पे आपको एक रबड़ बैंड ऐड कर देना है। यहाँ पे पतला मोटा वो आपकी चॉइस है, आपको किस टाइप का रबड़ बैंड लगाना है। ओके, अब आप इसको थोड़ा सा वॉल्यूम दिखाने के लिए बालों में थोड़ा थोड़ा खींच सकते हो। थोड़ा सा बालों का सेक्शन लेके रबर बैंड पे लपेट के आप इसको हाइड भी कर सकते हो, रबर बैंड के अंदर ही इसको इन कर दीजिए। और ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल होगा, सेकेंड ब्राइड हेयर स्टाइल, सेकेंड छोटी हेयर स्टाइल है। बैक से कुछ इस तरीके का लुक आएगा। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में आपको सिंपली इस साइड से पूरे हेयर ले लेने हैं, यहाँ से कॉम करते हुए लेके आना है। आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा इसको ट्विस्ट कर सकते हो। बहुत ही इजी और बहुत ही स्टाइलिश से हेयर स्टाइल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना। अगर आपके फेस में इधर चौड़े हैं, लंबे हैं, या फिर कुछ भी जैसे बड़ा फेस दिखता है तो आपको लेयर्स निकालने हैं, और बहुत छोटा फेस है तो आप लेयर को स्किप कर सकते हो। मैं यहाँ पे नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन आप निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से पूरा ट्विस्ट करते हुए लेके आना है और इस तरीके का लुक दिखेगा। फिर पीछे के सारे बालों को ले लेना है और टू पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद सिंपली इनको आपस में इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए लपेट देना है। ओके,
और अगेन पतला वाला रबड़ लेके और यहाँ पे लगा देना है। ये भी हेयर स्टाइल काफ़ी प्यारा लगेगा। इसको भी आप थोड़ा थोड़ा खींच के वॉल्यूम दिखा सकते हो बालों में, और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे खींचोगे तो और अच्छा लुक आ जाएगा। तो ये हमारा थर्ड ब्राइड हेयर स्टाइल होगा, जो लंबे वालों पे बहुत प्यारा लगेगा। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर छोटे हैं तो आप यहाँ पे बन बना लीजिएगा। मैंने साइड बन के भी हेयर स्टाइल अपलोड किए हुए हैं। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। ये रबड़ बैंड को हाइट ज़रूर कीजिएगा अगर आपके बाल बड़े हैं तो, क्योंकि मेरे तो छोटे हैं तो नहीं हो पा रहा है, आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके बहुत छोटे बाल हैं मेरी तरह, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, एक रबड़ बैंड को खींच के और इसको ऐसे कर दो। ओके, तो ये भी अच्छा दिखेगा। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया साइड चोटी के साथ। तो चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। फोर्थ हेयर स्टाइल में आपको सिंपली अपने बालों का एक पफ बना देना है, वी सेंटर से पफ ले लेना है। ओके, हल्का सा ट्विस्ट करके हल्का सा पुल करेंगे तो आपका पफ बन जाएगा। इसको टिकटक क्लिप, बॉबी क्लिप, जिससे भी आपको इजी हो उससे आप अपने पफ को सेट कर लीजिएगा। उसके बाद सारे बालों को एक साइड लेके आना है और यहाँ पे आपको सिंपल चोटी गूंथ लेनी है। सिंपल चोटी, खजूरी या फिर जो भी आपको चोटी इजी लगती हो वो आप यहाँ पे बना लीजिएगा। थोड़ा ऊपर से बनाइएगा ऐसे लेयर लेके, थोड़ा ऊपर से एक दो फ्रेंच चोटी की तरह बना लीजिएगा, ताकि जो आपका साइड चोटी है वो साइड चोटी की ही तरह ही दिखे, एक्स्ट्रा कुछ ना लगे उसमें। ऊपर से गूंथ के बाकी बचे लेयर्स को सिंपली चोटी की तरह बना दोगे। ये लेयर मैंने निकाला है, आपकी मर्जी, आप स्किप कर सकते हो इसको। और अगेन यहाँ पे एक रबड़ बैंड लगा देना है, रेड ब्लैक जो भी रबड़ लगाना है आपको आप लगा सकते हो। उसको वैसे इसको खींचना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर पतले हल्के बाल हैं और लंबे हैं तो आप इस तरीके से खींच दोगे ना तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि आपके बाल बहुत पतले हैं, हल्के हैं, और बहुत घने दिखेंगे और बहुत ही स्टाइलिश लुक आएगा। ये हो गया हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल। और आप इसको ज़रूर हाइड कीजिएगा रबड़ बैंड को, लंबे वालों पे ही ये पॉसिबल है, छोटे वालों पे थोड़ा नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से आपका फोर्थ हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया। तो ये था हमारा आज का हेयर स्टाइल। तो ये चार अमेजिंग ईजी हेयर स्टाइल हैं जो कि साइड चोटी के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो आपको कैसा लगा और कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी कोई रिक्वेस्ट है, कोई हेयर स्टाइल देखनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।